सबसे मैं दिलीप सर के साथ मेरे गुरु मेरे आदर्श दिलीप सर हैं। तो क्या है, जब हम फिल्म लिखते हैं और कॉमर्शियल फिल्में लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, ताली पढ़ने वाले, तो वो भी भगवान की कृपा से ही लिखते हैं, क्योंकि लेखन में जो भी आपके जहन में आता है और जो आप उतारते हैं कलम से और जो दर्शकों के बीच जाता है, ये सिर्फ कृपा से ही होता है ना। तो जिसकी कृपा है उस पर काम करना मतलब एक आनंद का विषय है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं जिस तरह का लेखक हूँ, मुझे ना अपनी कहानियों में पूजा पाठ धर्म थोड़ी बातें, थोड़ी अच्छी बातें, नेक बातें भी करते रहते हैं, है ना। राजीव का ये कि राजीव से मेरा परिचय बहुत पुराना है और राजीव के अंदर मैंने ये देखा कि भी ये व्यक्ति ना जिस कार्य को मन में बनाता है उस कार्य को करने में ना अपनी 100% कोशिश एक तो होती है और पूरी तरह से काम के प्रति समर्पण जो होता है, ठीक है। जब इन्होंने मेरे सामने ये रखा प्रस्ताव कि ऐसा ऐसा कार्य करा, मैंने कहा भाई ये तुम जो है कृष्ण के परम भक्त हो, तुम तुम्हें ये प्रसाद मिला है, क्योंकि कृष्ण में काम करना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य की बात है। और कृष्ण को जितना जितना हम थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं और अभी थोड़ा बहुत इसमें और ज़्यादा जानेंगे, ये भी एक लालच मेरा है, क्योंकि इस कार्य से हम जुड़ेंगे तो काफ़ी कुछ जानेंगे, क्योंकि इसमें जो लोग जुड़े हैं वो कृष्णा पे और अच्छा काम कर चुके हैं, उन्होंने काफ़ी इस पर गहन अध्ययन किया है। तो मैं कॉमर्शियल सिनेमा का राइटर हूँ, एक तो ये है कि इन्होंने जो मुझे बताया, मुझे प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं इसमें जुड़ना चाहूँगा। उसके बाद जब मैं जनक भाई को मिला, जो इस फिल्म के निर्माता हैं, जनक भाई को जब मिला तो मैंने पाया कि जनक भाई जैसे आपके घरों में अनुष्ठान नहीं होता है, कोई पर्व होता है, अनुष्ठान होता है, तो आप कैसे उत्साहित होते हैं घर में, वैसा उनका एक उत्साह मैंने देखा। उनका देखा कि वो अपना इन पे सिन्हा जी पे काम करने के लिए बड़े मन से, बड़े निष्ठा से इस कार्य को कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है कलाकार आदमी को ऐसे ही बल मिलता है काम करने का, तो मैं इसका हिस्सा बना। उसके बाद जो इसमें जो लेखक हैं, हमारी एक जोड़ी है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा कि ये नीता जी और छाया जी हैं जो इसमें रिसर्च कर रही हैं और इस पर काम कर रही हैं। तो जब हमारा इनसे मिलना हुआ और इन्होंने जो भी हमें सुनाया, बहुत ही मुझे बड़ा आनंद आया सुन के, और मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने कृष्णा के रंगों को कितने अच्छे ढंग से और इस चीज़ों को इसमें रखा हुआ है। तो मैं नीता जी और छाया जी को बुलाना चाहूँगा, मैं ये लेखिका हमारी इसके हैं, आप रिसर्च कर रही हैं, आप लिख रही हैं, आइए आइए आइए, आप रिसर्च कर रही हैं इस पर, शोध सारा भी शोध का विषय है। ये कोई ऐसा कॉमर्शियल सिनेमा नहीं है जिसे हम अपने तरीके से कहीं भी दर्शकों के हिसाब से कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे आध्यात्मिक तत्व हैं, हमारे जो सिन्हा जी से जुड़े जो प्रसंग हैं, जो चीज़ें हैं, उनके साथ हमें उसी सत्य के साथ जाना है। तो ये अपने आप में जिम्मेदारी बड़ा कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। तो कठिन कार्य मैंने इनको दे रखा है। हमने बताया कि हम जिन भगवान पे काम कर रहे हैं उन भगवान के बारे में जो भी तथ्य हैं हमारे, जो रियल में जो तथ्य हैं, हमें जाना उन्हीं के साथ पड़ेगा। तो हम इस बात से भयमुक्त होकर के, क्योंकि ये जो सिनेमा है ये भाव से बन रहा है, इस सिनेमा में ये भी टारगेट नहीं है कि हम बॉक्स ऑफिस इसमें हम बहुत बड़ा कुछ खड़ा करने वाले हैं। ये सिनेमा का लक्ष्य क्या है कि ये जो भाव है भगवान सिन्हा जी के प्रति, जो भाव है, जो भक्त हैं, जो कृष्णा अनुयायी हैं, जो कृष्णमय होना चाहते हैं, उनको ये रस देने के लिए सिनेमा है। इसमें क्या होगा, संवाद भी वैसे होंगे, जो संवाद ना उस दृश्य जो अलाउ करेगा, जो हमारे तथ्य हमें अलाउ करेंगे, उसी भाषा की मर्यादा में हम बात करेंगे। लेकिन कृष्णा का जीवन अपने आप में तो बड़ा प्रेम से, रस से, श्रृंगार से, संगीत से भरा हुआ है। तो मैं भी कहूँगा कि बड़ी रोचक और बड़ी आनंद देने वाली फिल्म होगी, संवादों से भी रिझाएगी। और सबसे खास बात है कि बनाने वाला व्यक्ति जो निर्देशक है वो कृष्णमय हो चुका है, वो कृष्ण के आनंद में सबको कृष्णमय कर भी रहा है वो। और जनक भाई जो है और पूरा परिवार उनका जो है जिस तरह से इस कार्य के प्रति है, तो मेरी शुभकामनाएँ हैं। और ये कार्य जहाँ आशीर्वाद है सिन्हा जी का, जिनके दोनों हाथों से मिश्रियाँ वो लुटाते हैं, तो नया धन की कमी होने वाली है, नया कोई ऐसी स्थिति, सब बहुत ही सकारात्मक बढ़िया चलेगा। अब मैं राइटर इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ और ऊपर वाले की कृपा है। वैसे देखा जाता है कि राइटर का काम होता है कल्पना जगत में लोगों को लेकर जाना, दर्शकों को, लेकिन यहाँ मेरा काम है आपको भाव जगत में ले जाना, चाहे दर्शक हो चाहे मेरा कोई पठन सुन रहा हो। इसलिए जब भी मैंने स्टोरीज, स्क्रीन प्ले, राइट डायलॉग्स जो भी डेवलप किए हैं, वो जब जब मैं सुनाती हूँ तो हमारे गुरु जी, अब मैं मेरे गुरु जी कहूँगी इनको, क्योंकि इन्होंने भी सुना है, और हमारे जो वल्लभाचार्य जी है द्रुमिल बाबा जी ने, उन्होंने भी सुना है, जनक जी ने, और राजीव जी को तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये हमारी सिटिंग होती है, तब मैं जो पठन करती हूँ वो मैं वही भाव से करती हूँ जैसे कि भगवान यहाँ साक्षात पधारे हैं। भगवान कृष्ण मेरे लिए, उनके लिए कुछ भी बातें कहना
वो कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम बचपन से वही धारा में बहे हैं। हमारे घर में, हमारे कुल में, हमारे परिवार में 100 साल पुराने मदन लाल जी की बाल स्वरूप है, उनकी सेवा होती है। हम पुष्टि मार्गीय है, तो बचपन से रोम रोम में कृष्ण बसे हैं। तो कहीं ना कहीं, और कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो प्रेम लहरी और आनंद लहरी, यानी जहाँ जहाँ कृष्ण की बात होती है, चाहे वो कोई भी सीन हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन वो समापन उनका कहीं प्रेम पे, कहीं श्रृंगार पे, कहीं ना कहीं वो भक्ति रस पे, आनंद रस में वहीं ना वहीं हम आ ही जाते हैं। यानी चाहे जो भी सीन हमें करना है, आप देखो कृष्ण का पूरा चरित्र देखो, आप देखोगे तो उनका हर जगह पे एंड जहाँ भी है आनंद में है। तो श्रीनाथ जी इज अ लिविंग गॉड ऑफ कलयुग, एंड इट इज सेड दैट ही इज अ रिटर्न ऑफ लॉर्ड कृष्णा, गॉड कृष्णा। तो श्रीनाथ जी की लीलाएं और कृष्ण की लीलाएं, हम चाहे जो भी लीलाएं देखें, वो प्रतिकृति है, दोनों एक सरीखी है। एक लीलाएं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने की थी, और श्रीनाथ जी ने यहाँ हमारे कलयुग में हमारे सामने लिविंग गॉड। हम इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में कोई मूर्ति, पाषाण की मूर्ति श्रीनाथ जी नहीं है। हम श्रीनाथ जी मेवाड़ दर्शन, श्रीनाथ द्वारा दर्शन करने जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये स्वरूप है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वरूप है, और ये स्वरूप से हमें आनंद मिलता है। आप भक्ति भाव से एक 5 मिनट भी वहाँ देखो तो आपको लगता है कि जैसे भगवान ने साक्षात वहाँ से हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं। पुष्टि मार्ग में 3 चीज़ें हैं जो हमारे महाप्रभु जी थे, जो प्रथम वल्लभाचार्य उन्होंने जो एस्टैब्लिश की थी, उसमें हमारे पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 चीज़ें कंपलसरी, मीन्स मेन, नॉट कंपलसरी बट मेन होती है, जैसे कि राग, भोग और श्रृंगार। उसके बिना हमारी पुष्टि मार्गीय सेवा अधूरी है। और सेवक कैसा होता है, और राग का मतलब तो आप समझ गए होंगे, बिना संगीत हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, यानी आनंद ही आनंद आता है, भोग लगता है, प्रसादी के बिना नहीं होता है। हाँ, और श्रृंगार, तो श्रृंगार के बिना तो भगवान आधे अधूरे लगते हैं। चाहे वो मॉर्निंग में हम उनको जगाते हैं तो वो मंगला का दर्शन करो, चाहे शयन का दर्शन करो, श्रृंगार तो छोटे मोटे तो होते ही है। तो वो चीज़ें मेन होती है, और जब हम भक्ति भाव से उनको करते हैं, तब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में 3 चीज़ें होती है, जिससे हम हमारी सेवा को और पुष्टि दे सकते हैं। उसे कहते हैं कि विवेक, धैर्य और आश्रय। हम कहते हैं कि हमारी विवेक बुद्धि, जब तक हमें हमारी विवेक बुद्धि कहती है, जो भी हमारे गुरुजन बने हैं, ये लोग ऊपर वाले वल्लभाचार्य जी, उनके प्रणाम, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ आगे ये कार्य होने वाला है। मैं कौन हूँ, मैं तो सिर्फ शब्द लिख रही हूँ, उनको आकार तो देने वाले ये लोग हैं। मैंने एक चाहा था, मैं एक डिश तैयार करूँ, तो ये छाया कोठारी जो मेरी पार्टनर है, हाँ, वो इंग्रेडिएंट्स बना देती है मुझे। हाँ, जब हमने 2009 में श्री विष्णु के 24 अवतार, जो श्रीमद् भागवत कहा जाता है, जो 7 दिन का पठन होता है, वो जब हम 3 घंटे में स्टेज पे लाए थे, तो करीबन हमने 8-9 महीना तक रिसर्च की थी। तो उसमें हमने बहुत सारे जो भागवत है, वो बहुत सारे भागवत पढ़े थे, और उसमें उसके बाद नीता ने उसको शब्दों में परिपूर्ण किया था, गाने भी लिखे थे, 15 गाने हमने नए बनाए थे। तो तभी से श्री कृष्णमय वो हमारा पहला वेंचर था। उसके बाद राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं राधा के एंगल से हम लोग लेके आए। तो ये भाव और ये रिसर्च करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप बह जाते हो, भक्ति भाव बोलो या जो भी बोलो। हमारा एक प्रयास होता है कि आज यंगस्टर्स, जिसको बिल्कुल समय नहीं है, जिसके पास पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो लोग कृष्ण को समझ नहीं पाए हैं। वो बोलते हैं कि कृष्ण करे वो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कृष्ण क्या है। तो वो ये ऐसी बातें अगर करते हैं तो उनकी नादानी है, और हमें ये लेवल पे जाना है कि हम उनको समझा सके कि वाकई में कृष्ण को जानना है तो उनको पाना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, और वो हर एक की बस की बात नहीं है। दिस इज़ मेन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। मैं कहूँगी कि यंगस्टर्स ज़्यादातर आज देखते हैं, हम लोग यंगस्टर्स पहले से ज़्यादा मंदिर की ओर मुड़ रहे हैं, लेकिन वो मंदिर की ओर मुड़ने से कुछ नहीं होगा। एक वैचारिक परिवर्तन, एक हृदय परिवर्तन जब तक नहीं आता, वो एक वैचारिक क्रांति जब तक हमारी सोसाइटी में नहीं आती, तब तक कोई बात हमें समझ में नहीं आती। एज़ फॉर एग्जांपल, कृष्ण 5000 साल वर्ष पूर्व हो गए,
और उसके बावजूद भी उनकी और राधा की बातें, उनकी और रुक्मिणी जी की बातें और उनकी और सारी आठ पटरानियों की बातें, वो सब बातें करते हैं, तो अगर आप गहनता से उसका स्टडी करो तो आप देख पाओगे कि वहीं से कहीं ना कहीं आज के दाम्पत्य जीवन की नींव कैसी होनी चाहिए और परस्पर सामंजस्य कैसा होना चाहिए, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, वो हमें वहीं से समझ में आता है। आज भी हमें कर्तव्य के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ना होता है, जाने देना होता है, लेकिन हम कमिटेड है रिलेशनशिप में, तो वो कहीं देह मिलन नहीं, सिर्फ स्नेह मिलन। वो राधा जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि मैंने तेरे तुझे कर्तव्य के लिए मैं तुझे जाने देती हूँ, कृष्णा तू जा, वो गोकुल छोड़ के जाते हैं। फिर तो सुना है सिर्फ महाभारत के युद्ध के बाद एक बार कुरुक्षेत्र में सिर्फ बातें नहीं हुई थी लेकिन आंखें मिली थी शायद, बस उसके बाद तो वो कभी मिले नहीं, सीधे गोलोक में मिले हैं। तो आप सोचो कि जो हमारे इतने करीब होते हैं उसे हम जाने देते हैं, तो ये सब आप जो पारिवारिक जीवन से हमारी ये छोटी छोटी बातें हम जोड़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें जीवन जीने का तरीका कृष्ण से मिलता है। तो मतलब क्या है कि आपने देखा होगा इन दोनों लोगों ने जिस तरह से रखा है, तो कृष्ण का मतलब ये है कि आज के वक्त में ये जो फिल्म है ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ऐसी व्यवस्था की जाएगी, और दूसरे से ये कि कृष्ण के जीवन का जो है ना वो हमारे जीवन के सब रंगों में समावेश है। अगर हम उनकी चीज़ें छोटे छोटे जो प्रसंग उनके हैं चाहे प्रेम रस के हों जिस तरह के हों, वो आज की जनरेशन को ना उस प्रसंगों से लाभ होगा और हम कुछ इस तरह की चीज़ बनाएंगे ताकि ना लोगों इसको ना सरलता से लें और हमारी बात को समझें कि ये कोई प्रीच नहीं किया जा रहा है, ये एक सिनेमा है जिसमें संगीत भी है, संवाद भी है, लय है, धुन है, हास्य है, जिसमें हंसाएंगे, कृष्ण की लीलाओं में हास्य बहुत है। बाकी आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए और ये चाहिए कि पत्रकार जो लोग हैं वो इस फिल्म को ना थोड़ा अलग से लें और अपने पत्रकार मित्रों से भी इसकी चर्चा करें और समय समय पर इसके बारे में सकारात्मक अच्छी अच्छी बातें उछालें, क्योंकि देखिए आपके सामने आज देखिए जिस तरह का भी वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लिखने वाला व्यक्ति ना बाज़ार में इस कदर दौड़ रहा है कि वो कुछ भी लिख देना चाहता है अपनी ज़रूरत के लिए। ऐसे में अगर ऐसे लेखक जो हमारी इस तरह की मूल्यों पर काम कर रहे हैं और इतने उत्साह से काम कर रहे हैं और रूट से जुड़ के काम कर रहे हैं, ऐसे लेखक आगे आएँ, इनकी कृतियाँ आगे आएँ और सिनेमा में ना हम कुछ ऐसी बातें भी कहें जो हमारे हिंदुस्तान के मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। तो धन्यवाद, इसका जो है अपना अच्छे से लें और आने वाले कल में भी ना इस फिल्म को थोड़ा सा पत्रकारिता में ना संभालें इस फिल्म को ताकि लोगों तक बात पहुँचे।